औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आजकल पाकिस्तान में एक नया चांस है लोगों के लिए, वो है बलदियाती इंतखाबात। क्योंकि बलदियाती इंतखाबात क्या होते हैं, वो मोहल्ले के और टाउन के और गांव के सतह पे होते हैं, और उसके अंदर क्या होता है कि जो लोग आते हैं वो जो गांव के मसाइल को समझते हैं, और वो गांव के लिए एक छोटी सी असेंबली बनती है, और वहां पे वो अपने गांव के लिए कंफर्ट लाने के लिए हुकूमत से बात करते हैं और फंड्स मिलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ है कि हमेशा सुपरमैसी रही है, एक खास किस्म के खानदान थे वो उसके ऊपर, क्योंकि उनको उसका सारा पता था, वो हमेशा उस पर काबिज होते थे। लेकिन पहली दफा ऐसा हुआ है क्योंकि अब अवेयरनेस हुई है, आम नौजवान लड़के जागे हैं और वो वाकई कुछ करना चाहते हैं। तो अगर आप अपने गाँव के अंदर इन लोगों को जरूर हेल्प किया करें, क्योंकि हमेशा चेंज नीचे से ऊपर आता है, ऊपर से नीचे कभी चेंज नहीं आता। सलाम अलैकुम सर जी। रूफी भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? करम। और भैया क्या हो रहा? कुछ नहीं रूफी भाई, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से? आप सुनाए, आप ठीक है? सब अल्लाह करम। दुआ चल रहा वजन, मैं देखा भी लाइव, अपने चलने रिसीव करते हैं आप। चले, शुक्रिया। क्या गाना सुनाएंगे, शायरी सुनाएंगे, या नहीं, अभी अभी आपसे बात करेंगे। लड़की फिसारे का तरीका बताएंगे? होता ही क्या होता है क्या जी? यार बताओ यार, बोले? लोग सुनना चाहते हैं आपके दिल की आवाज, सुनना चाहते हैं। वो भी उन्हें पता है हमारा गांव है, हमारा शहर है, हम कहीं के रहने वाले, ये सारी चीजें तो सिर्फ इंटरेक्शन है। विजन क्या है, सोच क्या है, क्या अंदर चीज जो का बोले? खूबसूरतियां छुपाई हुई है कोने के अंदर, कहीं दीवार के ऊपर जाके अलमारी के अंदर, वो निकाल के दिखाओ लोगों को। मुझे बोल रहे हैं क्या? मैं जाहिर दीवारों से थोड़ी बातें कर रहा हूं, आपसे बातें कर रहा हूं। क्या देखिए, मेरे क्या है ना भजन, मैं दिल का बहुत दुखी आदमी हूँ, सच कह रहे। मुझे मेरे लाइफ में, आज भी आपके लाइफ में जो भी मेरा सुन रहा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह से बढ़ के कोई नहीं। और मैं जब दुखी होता हूँ ना, तो अल्लाह के सामने रोता हूँ, उनसे मदद आमीन, मांगता हूँ। मेरी अम्मी बिल्कुल। मुझे एक चीज सिखाई है, बेटा हालात को अपना गुलाम बनाओ। गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझ के लात मारेगी दुनिया, और गुलाम बनाओगे आमीन, तो शेर समझ के सलाम करेगी। ठीक है, मेरी ओके। माए हमको ये बात बोली थी, और अपनी माए का हमको ये कहावत याद है। ये बात मेरी माए का सही निकला, इस चीज पर सही निकला। मेरी माए ठीक बोली, गुलाम बनेगा ना तो सब आपको लात मारेगा, वो नौकर हो कोई भी हो, वो आपको अच्छा नीचा वो समझेगा। तो एक बात है। अस्सलाम वालेकुम बैरू, अस्सलाम वालेकुम। ये तो आपकी अपनी पर्सनल कहानी हो गई ना। आप मुझे बताएं दुनिया के लिए आपका क्या विजन है? अस्सलाम दुनिया वालेकुम के लिए, बैरू, मेरा आ जाओ। मेरा दुनिया के लिए यही भी मेरा आप दुनिया बोलो। के लिए यही विजन है। दुनिया में देखिए,
एक हर टाइप के आदमी होते हैं। आप दुनिया जी घूमे, जैसे आपको एक चीज बता रहे हैं, हम किसी के ऊपर नहीं लेंगे ना अपने ऊपर लाइफ का बोलेंगे, एक बात बता रहे हैं। आप हाँ एक चीज आप सीख लीजिए वही भाई, जी आप अमेरिका में हो, लंदन में हो, कहीं भी हो, दुनिया देखे आप, दुनिया को समझे, आपको अंग्रेज भी मिला, हिंदी भी मिला, बांग्लादेशी सब मिला, आप दुनिया को क्या देखिएगा, कैसे देखिएगा? दुनिया को ही नहीं देखिएगा, आदमी कैसा है यही देखोगे, उसका मोहब्बत कैसा है यही चीज है। और आप हमसे कोई बिजनेस के बारे में पूछोगे तो बिजनेस के बारे में बताएंगे, दुनिया कैसा, दुनिया में यही दुनिया यही बोलेगा, दुनिया में है क्या, दुनिया में एक आदमी है, इंसान है, वो मोहब्बत दीजिएगा तो मोहब्बत मिलेगा, मोहब्बत नहीं दीजिएगा तो मोहब्बत नहीं मिलेगा। दुनिया में नाइन्टी अच्छा नाइन परसेंट आदमी मतलबी हो गए, नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बता बिल्कुल गलत है। रहे भजन मैं आपको, आप मेरी बात सुनिए बिल्कुल ठीक है। आप गलत कह रहे हैं। दुनिया में मतलबी लोग नहीं है, चंद है लेकिन ज्यादा तादाद अच्छे लोगों की है। मैं बता अच्छे रहा हूं, हैं सुने देखो ना, आपके घर में, आपके एक मिनट, आपने कहा कि 100% है, आपके घर में आपकी माँ नहीं है, आपकी बहनें नहीं है, आपके भाई नहीं है, आपके रिश्ते नहीं है, आपके वो प्यारे प्यारे दोस्त जो आपके मैं गले में हाथ डालते हैं वो नहीं है। अभी पता है भजन क्या हो रहा है, मैं जहां हाँ, तक देख रहा हूं सोचो जिसको, सोचो 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 सुने बेटा, ना तो एक, बात सुनो, मतलब नहीं है, सिर्फ ये कि सुने सुने, एक छोटी सी मेरी बात सुनो, आप मेरे छोटे भाई हो, के मेरी बात सुनो। जी इंसान प्रॉब्लम ये होता है कि इंसान के जो अपने मसले होते हैं ना, तो वो लड़ रहा होता है, नौकरी कर रहा होता है, वो कर रहा होता है। कभी आपने देखा है अफ्रीका में जाके जिन लोगों के पास खाना नहीं होता? आपने कभी इराक के अंदर उन लोगों को देखा है, जंग के अंदर जिन लोगों को सही ये नहीं बात, पता था कि वो सुबह घर से बाहर निकलेंगे वापस आएंगे या नहीं? कभी आपने कश्मीर में देखा है कि घरों के अंदर लॉकडाउन हुए हुए हैं? कहीं आपने जाके सरिया के अंदर देखा है? यार हमारे गम तो कुछ गम है ही नहीं है। तो आप कुवैत में बैठे हो, वन ऑफ द रिचेस्ट द कंट्री के अंदर बैठे हो। बात यह है, हमें अपना दुख नजर आता है, हम दूसरों के दुख देखते नहीं है। जिस दिन हम दूसरों के दुख देखेंगे ना, तो वी विल फॉरगेट एवरीथिंग मैन। आप जाएं जिनको कैंसर है उनको देखें, उन लोगों को देखें कि जिनके 4 बच्चे हैं और उनके पास पैसे नहीं है, वो खाना नहीं खिला सकते। देखें उस आदमी को, देखें कि जिस आदमी के हाथ या पांव या वो हैंडीकैप है उसको देखें। मेरी जान, अल्लाह ये ताला बात तो ने सही बोल, 6.5 बिलियन लोग इस दुनिया में पैदा किए हुए हैं, और हर इंसान को अल्लाह ताला ने एक टेस्ट दिया हुआ है, एक इम्तिहान दिया हुआ है, जिनको हम बहुत बुरे समझते हैं, क्या पता वो बहुत अच्छे लोग हों, और सही जिनको हम बात है, बहुत ये भी अच्छे बात सही है समझते हों आपका। पता चले वो गलत हो। देखो एक बात याद रखना, अपनी जात से बाहर निकल के सोचना चाहिए। आप दूसरे के, आप जब दूसरे को जाकर टच करोगे ना, तो उसके अंदर से दर्द की चीखें निकलेंगी। इसलिए कहते हैं कि जब दूसरों का गम देखा तो अपना गम भूल गया। दुनिया में बुरे लोग नहीं है, सही अच्छे बात, लोग हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान को खूबसूरत पैदा किया है, अच्छा पैदा किया है, सिर्फ उसके हालात उसको अच्छा या बुरा बना देते हैं। एक शेर सुन लें, शेर सुन लें, कहते हैं जर्द पत्ते समेट लो घर में, ऐसा मौसम सदा नहीं होता। डूब जाने से मत डरियो साथी, ना खुदा तो खुदा नहीं होता। हम अपने दुखों से गुड, खुद ही लड़ते हैं, वरना कोई बुरा नहीं होता। तो कहने का मतलब ये होता है कि इंसान को मुकाबला करना चाहिए। आप सांसें लेते हैं, आप खाना खाते हैं, आपको रात को आरामदेह बिस्तर मिलता है, आप एक रात भी, जब से पैदा हुए हैं आप भूखे नहीं सोए। आप नहीं एक रात भी ऐसी नहीं है कि आपने बाहर जनाब बर्फबारी के अंदर या गर्मी के अंदर, आपने गर्मी के अंदर गुजारी हो। हमेशा अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से आपका आपका आपके लिए अमीन वो अमीन, चीज बहुत दूर। माँ, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक। ठीक है। अच्छा फिर दूसरी बात यह है कि देखो मेरी जान, अल्लाह, दिस लाइफ इज नॉट अ प्लेयर, जबकि अल्लाह ताला ने हमें बड़े प्लेयर दिए हुए हैं। दिस लाइफ इज अ टेस्ट, ये एक इम्तिहान है। हम बेसिकली पुलिस सरात के ऊपर से गुजर रहे हैं, तो इसलिए कहते होते हैं कि नेवर कंप्लेन, कंप्लेन करना बंद कर दो, अल्लाह नाराज होते हैं। सही बात, ऑलवेज से थैंक यू लॉर्ड, यू गिव मी अ ब्रीदिंग, एवरी डे आई ब्रीथ, थैंक यू लॉर्ड।
यू गिव मी अ फूड, थैंक यू लॉर्ड यू गिव मी अ सच अ ब्यूटीफुल कलर्स। मैं बिलीव करता हूं कोई आदमी बहुत ज्यादा बुरा है, मटीरियलिस्टिक है, मतलब ही है, कुछ भी है, क्या पता उसके अंदर एक अच्छाई हो। ये बात भी सही बोल रहे हैं। इसलिए हमेशा ऑलवेज यू नो ऑलवेज पॉजिटिव सोचो। आई टेल यू मैं वन देखिए थिंग, भाई भाई, मैं गुस्सा से क्या बोला आपको बता रहा हूं। आगे का मुझे मैं जिसको भी प्यार किया ना, वो मुझे धोखे दे दिया। 99% लोग सुनाओगे। मैरू आजा 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 मेरा बच्चा, आजा आजा मैरू, आ जाइए बाजी। आजो आजो आजो। ताजा मैं काम भी कर रहा हूँ ऑफिस का, भाई कहाँ गए कहाँ गए भाई, अभी कितने 10 मिनट रहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, 10 मिनट बाद हमारा बैरूफ। हाँ नहीं आ जी रही है लगता है। नहीं जी आएंगी आएंगी कोई बात नहीं, वो बिजी होंगी यार, बस होता ही है कि जिसका दिल चाहता है आए और जो बेचारा बिजी है, क्या पता वो कॉलेज में हो यूनिवर्सिटी में हो, हम खाम खा उनको तंग करें। वैद्य भाई एक बात बताइए, वो क्या बोलते हैं, जैसे आप लोग के हाँ संडे के दिन छुट्टी होता है ना, शनिचर संडे दोनों? यार देखो नहीं ऐसा नहीं होता, कुछ लोग सैटरडे संडे को भी काम करते हैं, सैटरडे संडे एक सिंबल है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर होता है जुमे को छुट्टी होती है, जिस तरह यहाँ पे मंगल के दिन तमाम जितनी भी हमारी हिंदू बिरादरी है वो अपनी दुकानें बंद रखती हैं, इसी तरह यहूदी जो होते हैं हफ्ते को छुट्टी करते हैं। तो लेकिन काम देखो, पुलिस वाला तो जाएगा ड्यूटी पे क्योंकि उसने अमनो ईमान संभालना है, फौजी तो सरहद में बॉर्डर पे खड़ा रहेगा चाहे सैटरडे संडे हो। तो कारोबारी लोग हैं हम लोग, कई हम लोग क्या करते हैं, हमारा हमारी दुकानदारी सैटरडे संडे को होती है, ठीक है बाकी दिनों में हमारी छुट्टी होती है, अच्छे अच्छे खाने खाते हैं चाय पीते हैं। तो यहाँ पे भी लोग काम करते हैं, लोग 24 घंटे काम करते हैं, 7 डेज अ वीक काम करते हैं, और लेकिन मजे की बात यह है बारिश हो तूफान हो कुछ भी हो लोग काम जरूर करते हैं। और मेरा ख्याल है सक्सेस जो है ना दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी सक्सेस होती है वो काम करना होता है, काम से आप जी डिप्रेस नहीं होते, काम के साथ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, फिर पैसे आ रहे होते हैं, फिर पैसे आते हैं याशी करते हैं, फिर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अच्छे अच्छे तोहफे लेते हैं, फिर गर्लफ्रेंड खुश भाई होती है, वो फिर खाने पकाती है, फिर आपको कहती है आई लव यू। बेटा बेटा रोना नहीं चाहिए, हमेशा हंसो खुश रहो, अल्लाह ताला ने छोटी सी जिंदगी दी है, हंसते हुए गुजारो यार, अल्लाह का बहुत अल्लाह बहुत ताला को मुस्कुराहट अब भाई भाई मैं बड़ी ना, मैं अपने मैं भी पसंद सुनो सुनो ना, एक बात मैं एक चीज बता रहा हूं आपको। मैं एक चीज आप सीख लिया, किसी का टेंशन नहीं लेने का, है। बात नहीं कोई खलास। टेंशन नहीं लेने हाँ सच बोल रहा हूँ ना, किसी किसी पर का। गुस्सा आ जाता है भाईजान। गुस्सा क्या आता है ना, आप जिसको प्यार, अभी हम आपको प्यार कर रहे हैं और आप मुझे प्यार कर रहे हैं और हम मतलबी वाला काम करेंगे, रूफी ये रूफी, तो आपको दुखी होगा यार। हम उसको इतना बच्चा बोलते हैं, इतना ये बच्चों बोलते हैं, बच्चों मेरे ठीक पास है। दस 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 डॉलर आ जाए ना तो मैं तुम्हें 2 ही दूंगा, 8 अपनी जेब में रखूंगा। हाँ तो पैसे का बात नहीं भाई जान, आप हमको 10 डॉलर में कितना आधा डॉलर भी नहीं दो, हम खुश रहेंगे, ठीक है। आप हमको प्यार से होता बात कर लो, मेरी कहना ये, तुम हमको डॉलर भी नहीं दो, कुछ भी नहीं दो, खाना भी नहीं खिलाओ, है। प्यार से हंस के खाली बात कर लो रूफी, अच्छा और 10 के सामने रूबी, खड़े। अच्छा रूबी एक बात बताता हूँ, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, ठीक है अभी 2 मिनट पहले मुझे, अगर मिसाल के तौर पे मुझे झाड़ पड़ी है अपने टीचर से, अपने प्रोफेसर से, अपनी बेगम से, या किसी से भी झाड़ पड़ी है, आई एम इन अ बैड मूड, मैं बैड मूड में हूँ, ठीक है बुरे बुरे मूड में हूँ, और इतनी देर में तुम आते हो और मुझे कहते हो अस्सलाम वालेकुम वही भाई, तो मैं कह रहा हूँ क्या बात है जाओ अपना काम करो, तुम्हारे वक्त आते हो आगे से लूट मारना शुरू कर देते हो। तो इसका मतलब ये है, अब सुनो वो शेर जो मैंने कहा था, कहता है जर्द पत्ते समेट लो घर में, ऐसा मौसम सदा नहीं होता, डूब जाने से मत डरियो साथी, ना खुदा तो खुदा नहीं होता, हम अपने दुखों से खुद ही लड़ते हैं, वरना कोई बुरा नहीं होता, न जाने कब ये समय गुजर जाए, जिंदगी का पता नहीं होता। अच्छा रूबी आई है समझ गया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। यार सलाम। मैं तुझे रूबी आई है, तू तो गुड गुड गुड। क्या आप रोमी रूबा आ को गया यार। तो क्या व्हाट इंतजार आर कर रहे हैं? यू डूइंग, व्हाई यू वेयरिंग द बिग मास्क मैन? फारवाज कम ऑन मैन, ब्रीथ, कम टेक आउट दिस मास्क एंड जस्ट ब्रीथ लाउड मैन। द कोरोना इज नॉट आउटसाइड, कोरोना इज इनसाइड मैन। फारवाज है, नेवर, फारवाज है। ओके लिसन, नेवर एवर गेट अफ्रेड फ्रॉम कोरोना, ओके? जस्ट अफ्रेड फ्रॉम करीना, बिकॉज करीना इज गोइंग टू अटैक योर ईमान। भाई मैं आता हूं थोड़ी देर के बाद। Sorry, I'm sorry. I'm in a nasty mood, man. But anyway, I love you. So, what are you doing? Are you in the what's it called, car wash? फायर वॉश में हाँ तो क्या हुआ यार, गाड़ी को गंदा रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, इंजन ठीक होना चाहिए। भाई, गंदी नहीं रखते वो। और कर आते यार, बात सुनो, ए, कहते दिल हाँ साफ होना चाहिए, बाकी सारी चीजें खराब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, गाड़ियों साफ होनी चाहिए। हाँ मैं मजाक कर रहा हूँ सर, सर यू नो यू हैव टू क्लीन एवरीथिंग मैन, वट एवर कम्स इन योर लाइफ, एंड दिस व्हाट आई आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव इन दैट। अब मेरे साथ क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी होगा मेरे साथ फट होगा। साथ साथ मैं ऑफिस की चीजें भी देख रहा हूँ यार। हाँ चल यार, तूने अच्छा किया भाई, मुझे मुझे वो कर दिया है, एक बंदे ने मुझे आउट डाउन, मेरे उसके ऊपर आउट डाउन कर दिया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कब तक मुझे इस तरह से तड़पाओगे लोगों? एक मिनट, मैं साथ से तो ऑफिस का काम कर रहा हूँ, ये सॉरी कंप्यूटर पे देख। ओए 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 मजे आ गए, ओए पांचों घी में चली गई यार, वाह पांचों घी में आ गई यार। चलो इसको भी देख लो, हाय हाय यार, ओके यस, हाँ जी सॉरी, मैं उस साथ साथ ऑफिस का काम कर रहा था। सुनाए आप, जिंदगी कैसी जा रही है? जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रही है। कहाँ घूम रहे हैं, कौन से मुल्क, कौन सी टेरिटरी में घूम रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। क्या कहे? वालेकुम अस्सलाम सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मेरे को सुबह दे चार हो इन्हें, तस्वीर चली गई, मैं दोबारा आना। आज 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 बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला। इश्तियाक भाई जी, जी भाई, एक सवाल है आपसे। जी जी बोलो। रूफी भाई कह रहे थे कि दुनिया में 99% लोग खराब हैं, आप क्या, आपका क्या बिलीव है? आज की दुनिया में वाकई सही बोल रहे हैं। अच्छा नहीं यार, नहीं इतने नहीं खराब है, मैंने देखा था कल एक मैंने बंदे को देखा था, वो तो बहुत अच्छा था। है भाई सामने सभी अच्छे। यार भाई बात सुन रहे, देखे दुनिया में बड़े अच्छे अच्छे लोग होते हैं, सिर्फ ये है कि हम लोग अपनी खुली आंख के साथ देखते नहीं है यार। नहीं, अच्छे भाई लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, दुनिया जाना बुरे लोगों से तो नहीं चलती, अच्छे लोगों से भी चलती है, लेकिन अच्छे बात लोगों ये से कि आज चलती की है। दुनिया में खास करके मेरी बात सही करके सुनना, आज के जो मुस्लिम हाँ है ना, वो हम लोग जो है ना बहुत गलत डायरेक्शन पे है, पता है ना। सर, चंद लोग, सारे नहीं। मोस्टली देखो आप चंद लोग नहीं, मोस्टली देखो अभी यार देखो, मैं मेरी आपको जॉब, एक बात बताऊं, मैं एक दिन मैं लाइव आया ना, लाइव एक दो दफा मैं लाइव आता नहीं कभी, तो अच्छा मेरे को इतने गंदे कमेंट करने शुरू हो गया कोई, अच्छा वो भी उर्दू में। अच्छा 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 बात यह है कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा हुआ है ना, मेरे को 35 साल हो गए मुल्क छोड़े हुए, ना किसी का बुरा किया, किसी के साथ बुरा किया, अच्छा आपने मुल्क करते हैं, हमें लोगों को हेल्प ही करते हैं। अच्छा सर, मैं साथ साथ ऑफिस का काम भी कर रहा हूँ ना, सॉरी भाई। अच्छा, हाँ वो साथ साथ कहते हैं आप कैसा ऑफिस का काम,
कहते हैं साथ साथ ऑफिस का काम भी करना चाहिए, वरना हाँ एक मिनट होल्ड कीजिए, एक मिनट होल्ड कीजिए। रहना रहना काय बोलू मम्मी देखो बाबा का अच्छा मूड है, अगर सख्त मूड है तो मुझे बता देना, क्योंकि सॉरी यार घर में ना मेरे होम मिनिस्ट्री को देखना पड़ता है ना भाई। हाँ भाई भाईजान आपको आवाज आ रही है? एक जी मुझे मिनट, आवाज आ रही। चलो यार गुड 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 गुड, यस। सॉरी मेरे साथ साथ वो ऑफिस का काम हो रहा है ना, तो वो ऑफिस में ना बड़े क्वेश्चन वगैरह होते हैं ऑनलाइन, तो वो उसके लिए ना साथ साथ में काम भी कर रहा हूँ यार। ऑफिस में ये होता है सूट नहीं पहनना पड़ता, घर में बैठ के चड्डी के अंदर भी बंदा बैठ के काम कर सकता है। नहीं, अच्छी बात है। और काम कैसा जा रहा है अपना? ठीक है? अरे काम सुपर हिट, मजे ही मजे, पांचों घी में है, सिर्फ कढ़ाई में है, सिर्फ ये काम करना पड़ता है। हाँ हाय अल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह जी तेरा शुक्र है, अल्लाह जी थैंक यू वेरी मच। हाँ सुनाए आपकी जिंदगी कैसी जा रही है? जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही जा रही है, बस विंटर निकल जाए बस उसके बाद ठीक ही है। नहीं अच्छा तो क्या हुआ, दूसरी शादी का क्या इरादा है या नहीं? मतलब यू वांट अ सेकंड ट्रबल इन योर लाइफ? हम ऐसे काम नहीं करते हैं। क्यों डर लगता है, डरपोक डर किससे लगता है, लेकिन हमारा ये कल्चर नहीं है। है? अच्छा चलो जी कोई बात नहीं, कोई हम लोग कश्मीर से हैं, बात कश्मीर नहीं। बड़ी शर्म ऐसा भी होता है। एक मिनट के क्या हुआ, एक मिनट 160 एंड क्या कह रहे हैं? आए सॉरी सॉरी, मैं साथ साथ को भी देख रहा हूँ। सो 110 110 पे जाते हैं, 110 पे क्या कहते हैं, 110 वन, आई एम सॉरी यार आई एम जस्ट, हाँ कोई बात नहीं, इसको जाने दो, इसको भी इसको हाथ नहीं लगाते क्योंकि ये हमारे शेयर ज्यादा हो गए हैं, इसलिए अभी मुझे सिर्फ ये देखता है कि मैंने किया क्या है। ओए मजे ही मजे, मजे ही मजे, उसका मतलब है मैंने अच्छा किया यार। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं साथ साथ वो ऑफिस का काम भी इम्पोर्टेंट होता है भाई। अच्छा ये क्या कहते हैं, 120 पे चले गए, 120 नहीं चाहिए, 150 160 160 पे भी नहीं जाने चाहिए, बट इसको एक दफे एनालाइज कर लेते हैं कि क्या अगर हम इसको आगे जाएं तो क्या शेयर क्या वाले कर हमें रहे हो, स्टॉक मार्केट, हाँ क्या कर रहे हो, स्टॉक मार्केट कर रहे हो? नहीं सर ये ऑफिस का, ये हम फिल्में बनाते हैं, हम लड़ाई मार्केट है कि वो सेगमेंट चल रहे हैं, वो असल में स्टोरीज स्टोरीज के लिए वो चीजें चल रही होती है, हम लोग फिल्में बनाते हैं लड़ाई मार कुटाई की, टिश्यू 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 उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा होता है। गाड़ी किसकी गाड़ी आई है? हाँ वो क्यों कोई चीज आई हुई होगी ना। हाँ बस 2 मिनट दे दे, मैं अभी फारिग हो जाऊंगा यार, एक मिनट इसको देखो, चलो इस ठीक है भाई, आप पे भी काम करो तो हम भी जा रहे हैं। ठीक लव यू ब्रदर, लव यू लव यू, खुश रहो, अल्लाह ताला आपको जजाए खैर दे। थ्री आमीन। पॉइंट टू आई एम सॉरी, साथ 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 अल्लाह अल्लाह आपको खुश रखे, गाड़ी को अच्छी तरह चमकवाएं। हाँ जी क्या हो गया, 120 120 पे कितना क्या कहता है? थ्री पॉइंट फोर्टी। गैलेक्सो 3.4 3.21।
3.21, 120. That means this is gone. This is gone and it's too far away, so I'm not going to mess with this. I'm going to go for the wider thing. Location 170. 170 is fine. 170. How about 180? No, go back. Rana? Haan ji, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Bhaiyo, Behru, where are you? Behru, we miss you. Mere sare bhaiyo ko salaam.